पुतले मुको गंद अमृतसर से गंद के टोकरे टिक्का वेखो जरा ठग महान ठग का टिक्का वेखो कि लंबा जिन्या ठगिया वधी जांदी टिक्का वधी जांदा है पहले तो पत्रकार भाईचारे शहरवासियों देशवासियों जय श्री राम हर हर महादेव श्री वाहिगुरु का खालसा श्री वाहिगुरु की फतेह। मैं विक्रम गंडोत्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया हिंदू एकता मंच। अज कोई एक हफ्ता पहले कोई मीटिंग हुई सी जागदा जमीन के जो खुलासे थे वो किए गए थे जिदे चैनलों द्वारों वर्षण ले गई सी वर्षण के जो कुछ जवाब है जेडे अज मैं वो जागदा जमीर को मंगना चाहना इस वास प्रेसर की गई सी गल तो अजे मिटी नहीं तो जागदा जमीर मैं नहीं कहांगा डुबदे जमीर ने अज हिंदू समाज के उत्ते जुत्तियां मार मार के साबित करता है वो धर्म के नाँ पर भी कलंक है। सुभाष सहगल हर चैनल से बचता नज़र आया कि यह 2005 का केस है मैं पता नहीं गा यह पुरानिया गल्ला मेरे ते एक भी परचा दर्ज हुआ तो अज दिन तक दिखाओ। पहले तो मैं सुभाष सहगल की जर्दाश जी बहुत वीक है वह दसना चाहना कि तुहाडे कबूतरबाजी का अब 5-6 महीने पहले परचा दर्ज होया कबूतरबाजी का वो भी तुहानू सिर्फ जमानत मिली है तुसी बरी नहीं होए। दूसरा मौजूदा तुसी उच्ची उच्ची चैनल च खप पाई सी कि जिते मेरा दफ्तर हैगा उत्ते 16 कैमरे लगे हुए हैं जो कुछ भी होंगे उस कैमरे च कैद होंगे। अज के मुताबिक मेरे अपने सोच के मुताबिक जो कैमरे होंगे सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करते हैं क्योंकि उस हर चीज़ छोटी तो छोटी वीड्डी तो वीड्डी कैच होंगी है। इन्ने 16 कैमर की निगरानी के बीच अज हिंदू समाज को कलंकित किया और इस चीज़ को साबित कर दिता कि जागदा जमीर हर धर्म की बेअदबी करती है। यह बेअदबी के कुछ वीडियो देखो कितनी शर्मनाक गल है। झगड़ा साडा जिहड़ा भी हो रहा प्रूफां दे मुताबिक हो रहा। मैं उदों भी सारे प्रूफां नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती सी और जिहड़े सारे प्रूफ पत्रकार भाईचारे नूं प्रशासन दित्ते गए सी पर जिहड़ी जागदा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती उहदे च इही चैनलां नूं दित्ता गया सी प्रूफ दवांगे दित्ते ही नहीं गए। चलो बाद दी गल है। मैनूं अज बड़ी शर्म दी गल है कि जागदा जमीर दे झंडे थले उहने अपने दफ्तर च बुला के अज हिंदू समाज को कलंकित किया। चाहे मेरा झगड़ा पैसों का लैन देन हैगा या नहीं हैगा यह माननीय अदालत ने साबित करना। मैं पहले भी कहा कि मैं माननीय अदालत ने आरोपी साबित नहीं किया जो कहेगी उदों मेरे ते कोई सवालिया निशान बन सकता है। देखो सुभाष सहगल उच्ची उच्ची हसन डिया और जी कबूतरबाजी की वड्डी जिन्होंने पी एच डी मिली जैसमीन वो कह रही है उच्ची उच्ची ये टिक्के जुत्तियां मारो। मैं हिंदू समाज को हाथ जोड़ के अपील करदा कि जागदा जमीन है जेड़े हिंदू समाज के साडे महाकाल का टिक्का। देखो ये एक टिक्का जेड़ा है साडा 5000 साल पुराना इतिहास है। असी इनू अपने मत्थे ते अपने ईश्वर सजा के रखते हैं और जागदा जमीर ने उसे अपने दफ्तर के 16 कैमरे टिक्के उत्ते जुत्तियां मारियां है हिंदू समाज को कलंकित किया। मैं पहले कह रहा कि यह जी जागदा जमीर है ये जमीर नहीं है यह डुबदा है जमीर है। इस तो अलावा जी वीडियो है सारे हिंदू समाज में जिन्हें भी साढ़े मंदिर कमेटियां वै हरिद्वार के जिन्हें भी साढ़े संत महात्मा के आश्रम है यह सारिया उत्तर भेज दतिया। मैं हिंदू समाज को इस चीज़ की मांग करना चाहना कि मेरे वाले जुत्तियां मारियो जवाब मैं कोर्ट से लाऊंगा पर जोड़े महाकाल के टिक्के उत्ते जागदा जमीर प्रधान सुभाष सहगल ठग 420 पर्चे वाला उन्हें मौजूदगी हास के टिक्के जुत्तियां मारियां यह कहता मैं समाज सेवा कर रहा वा। यह मैं दस जी कि समाज सेवा कर रहा यह कहता जी मैं 5 साल तो दड़ा नशा पोटी सी से काम कर रहा। मैं पूछो 5 साल चो कि समाज सेवा की इन्हें एक भी प्रचार दर्ज कराया नशे दड़े चिट्टे बारे
बोल बेटा सवालिया निशान। दूसरा चेयरपर्सन मैं जवाब देने लगा, चेयरपर्सन ने लाइव चुकया सीगा कि रब मलाय जोड़ी एक अन्ना ते कोड़ी मेरे ते पनीर सेठी बारे उहदा जवाब हैगा वै जी, रब ने बनाई जोड़ी एक कबूतरवादी च माहिर दूजी चिट्टे की वड्डी तिजोरी, क्या है समाज देवी दी किहो जी आ जोड़ी। ये जवाब मैनू चाहिए आ सुभाष सहगल जी, तुसीं अपने मौजूदा दफ्तर च जिते तुसीं 16 कैमरे लाए आ, हिंदू समाज नूं कलंक कीता, महाकाल के चिट्टे उत्ते जुत्तियां मरवाइया और नाल बह के हसे और जैसमीन कह रही जुत्तियां जोर जोर दी मारो। हिंदुआ नहीं करतूत देख लो जागदा जमार दी। ऐसे कारण मैं बार बार कह रहा जी, मान योग आम आदमी के विधायक साहब न जोड़े खासकर सेंटर हल्के से है, मैं इन्होंने परसनल मिले दो बारी, मैं उन्होंने सम्मानित किया, बहुत पढ़े लिखे इंसान है, ओनर एक अच्छी हॉस्पिटल के। मैं फिर यही कहंगा कि उन्होंने गुमराह किया जा रहा, वो गुमराह वो इस पोजिशन नहीं है कि वह यह कुछ किसी भी बंद फोटो वायरल कर। मैं क्लीयर कह रहा कि सुभाष सहगल ने विधायक जी ने यह चीज़ अवगत कराया ही नहीं है कि कोमल वर्मा के चिट्टे के दो परचे दर्ज है और अभद्र भाषा का प्रयोग कर माहिर है, उन्हें उन्होंने केक कटा दिता। पहली गल तो इन यह पुछना वर्षन वर्षन तो लैने पैने कि इतने चिट्टे का एक परचा है कि चिट्टे के दो परचे है, इन्हें चिट्टे दो परचे है। 2003 च 250 ग्राम राजस्थान च होया, दूजा 2005 का, 2003 च बरी हो चुकी है, 2005 केस पेंडिंग है। मैं उदों भी कहा वर्षन तुम मेरे को जिदन लैन आयो, एकदम आ गए थे, मैं कुछ जवाब सही नहीं दे सकया, या हो सकता ना सही दिते हो, जवाब मैं थोड़ा क्लीयर करूँगा कि वो परचे दे विच ए पेंडिंग केस चल रहा ना कि बरी है। जो बरी है तो अपनी PCC जागदा जमीर नहीं डुबदे जमीर सबमिट क्यों नहीं करा रही, कराए सबमिट। तीसरा क्वेश्चन मेरा, चैनलों के माध्यम इन्हें इन्नी भद्र भाषा का प्रयोग किया, और चैनलों से मैं फोन भी आए कि सर इन्नी भद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, असं ला नहीं सकते। मैं ही उन्होंने कहा कि कोई गल नहीं, यह मेरे परिवार से लांचा ला रही है, मेरे पूरे अमृतसर पता कि विक्रम मंडोत्रा फैमिली कैसी है, ये तुम खबर पूरी चलाओ ताकि पूरे समाज में पता चले कि जागदा जमीर के झंडे थले जिहड़ियां औरतां बैठियां वो किन्नियां गंदियां वो किन्नी भद्र भाषा का प्रो अपना प्रयोग वो सरेआम चैनल च कर रही है। यह जैसमीन अरोड़ा जिहदे ते कबूतर बाजदे किन्ने ही परचे दर्ज आ, अनगिनत परचे दर्ज आ, इहनू इन्नी शर्म नहीं आ रही सुभाष सहगल नूं, यह फिर जुत्तियां पवा रहा महाकाल के टिक्के नूं, कोई इहना बंदा नहीं बैठा हुआ जो मेरे को वीडियो आई है। फिर खब्बे बन्ने कबूतरबाजी की PhD वाली, तो सज्जे बन्ने चिट्टे की वड्डी व्यापारी, फिर वो दो जनानियां ने मना रहा, इहनू इन्नी शर्म नहीं, मैनूं कढ़ा बचाव का हर पक्ष आज ही दी चीज रख रहा। कोमल वर्मा वो अपना सी नाम मन चुकी है, जो क्रिमिनल नाम मन गई जो कोमल वर्मा ही, इन्हें मैं होर एलीगेशन लगाया क्योंकि झूठ के पलंदे बहुत होंगे, अलग अलग चैनल अलग अलग वर्षन कि इन्हें मैंने कहा कि मैंने 2 साल पहले विक्रम मिलया कि चकैता 3 साल मिलया, भी पुख्ता प्रूफा के नाल अच्छ मैं चैनल जग जाहिर कर रहा वहाँ। यह मैं अपनी जी संस्था सी 31/3/2019 का उद्घाटन किया होटल SK रेजिडेंसी जिसे जनू राष्ट्रीय चेयरपर्सन अहुदा दिता गया सीगा। यह पंजाबी जागरण की अखबार है जिसे 21 नवंबर 2019 इनू बर्खास्त कर दिता गया सी अखबार, ठीक है जी। बोलांगे तकरीबन कि 7 महीने मैं रही, 7 महीने तो 4 महीने पहले मैं मिली सी, मैं पहले बार बार कह रहा कि ये दूजे घर वाला मनीष वर मेरी डैथ हुई सी, वो केस माल मंडी SSP साहब को चलता पिया सीगा जिहदे च इहदी सुनवाई घट हो रही सी क्योंकि वो केस दे विच जिहड़ियां कमियां सी वो बहुत ज़्यादा सी। इत्थे हुण मैं ये चीज़ इत्थे दसना चाहना अज क्लीयर दोबारा, कोई वर्षन च मैं पूरा बोल नहीं सकिया कि सीमा वर्मा दे 2 विआह होए ने लीगल, इनलीगल की गिनती मैं नहीं पता किन्ने होए किन्ने नहीं होए क्योंकि इन्हें मेरे परिवार बारे कहा ना बड़ा कुछ, मैं अज भी नहीं बोलांगा क्योंकि मैं हिंदू कुल हिंदू संस्कार का वहाँ, मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। पहला विआह जिहड़ा होया सी उहदा घर वाले नाम टीटू सीगा, उहदे च इहनू 3 बच्चे होए सी जिहदा नाम हैगा वै दीपिका, अनीश, तो एक ना गुड़िया, होर मैं उहदा पता नहीं है, ठीक है।
ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤਲਾਕ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਮਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈੱਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੋਡ ਸਮੀਤਾ ਗੋਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵਰਮਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕੋਮਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦੀ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਅਜੀਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਮਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ 1 ਵੀ ਸਦੱਸਯ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਲਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਰੁਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਲ ਵਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਮਲ ਵਰਮਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਕੁ ਛੱਡਣਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਰੁਕਿਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਤਾ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੰਦਰ ਕੋਲ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ACP ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਲੰਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਮਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਰਮਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, 94-631-080 ਮੇਰਾ 65 ਨੰਬਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਹਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦਾ ਜ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, 2 ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਬਰਖਾਸਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛੱਡਯੰਤਰ ਜਾਗਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਛੱਡਯੰਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਆ। ਇਹ 66 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਮਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਕਾ ਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਕਰਦਾ, ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਕਟ ਫੜੇ ਗਏ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟਰ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਜਾਗਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਡੁੱਬਦਾ ਜ਼ਮੀਰ, ਇਹਦੇ ਛੱਡਯੰਤਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜੈਸਮਿਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀਮਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਲਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੈਸਮਿਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਜਾ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਗਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਸੂਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੂਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੋਮਲ ਵਰਮਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੱਕਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
एक बहुत वड्डा सबूत दे रहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान का लिंक जुड़े हो पुख्ता प्रूफा दे नाल। देखो यार इंक्वायरी वास्ते मंग मैं जरूर करांगा पर इंक्वायरी मैं हाईकोर्ट तो लवावगा कि इंक्वायरी हाईकोर्ट लाई जाए कि यह हाईकोर्ट का मैटर चाहे 2005 का पाकिस्तान की मोहर 2018 या 19 में कहते परचा दर्ज होया वा वह भी पाकिस्तान का एजेंट या कि पाकिस्तान पाकिस्तान जागदार जमीर हच चेयरपर्सन जिसे चिट्टा फड़िया गया कबूतरबाजी के पहले परचा दर्ज है। मैनू पूरा डर है शक है कि हो सकता है कि जागदार जमीर के झंडे के थले हिंदू सिख बच्चों की मानव तस्करी होंगी हो दिन दूर नहीं या मैं लोग डर नहीं कोई बच्चा खोए ना जाए। मैं हाथ जोड़ के अपील करता अमृतसर वासियों को कि शहर च बहुत अच्छे इमीग्रेशन है जिन्हों को लाइसेंस है इस अब्रोड तो जो बच्चा किसी ने भेजा तो कितने महाकाल जी उत्ते कृपा कर मैं करने वाला कोई नहीं गा। दूसरा एक मेन पॉइंट सहगल जी ध्यान ना सुनना तुसी तुसी इन्ने वर्ड कहा कि मेरे दफ्तर च 16 कैमरे लगे हुए हैं 16 कैमरे विच मैं यौन शोषण किस तरह कर सकता। बहुत वधिया सवाल तुहाडा इह सवाल मैं लगता तुसी किसे वकील को पुछिया होना तुसी अज खुद ही मन गए हो कि 16 कैमरे च वाकई कोई नहीं कुछ करता जिहड़ा कोई गैर कानूनी काम हुंदा वह कैमरिया तो बिना हुंदा। सुभाष सहगल जी वह कोठी साबित करो जिस कोठी से काम हो रहा। सीमा वर्मा कोमल वर्मा ने इल्जाम लाया ना कि मैं सप्लाई कर दी मेरे परिवार को कह के तो बाकी लड़कियां कितने है उस ऑडियो जी एडिट की गई सी इल्जाम लाया अपनी सिटी से कि ऑडियो एडिट की गई एडिट नहीं की गई वह एक्चुअल रिकॉर्डिंग 2.5 मिनट की है उस क्रोप की गई थी जिनी की लड़ है प्रशासन दे दी जाए और 2.5 मिनट की जी ऑडियो है वह पनीत सेठी ने लभ ली है उस सारा डाटा मौजूद है जो डाटा चाहोगे तो प्रशासन को और पत्रकार भाईचारे को जरूर दिता जाएगा। सर बाकी किस तरह कहना चाहे चाहते कि जिदा हम तुम दस वीडियो भी दिखाई है मैं ऐसे मैसेज देना चाहवागा जी जे सरकार ने फतवा जनता ने सॉरी फतवा दिता वै आप सरकार दे मैं फिर कह रहा मैं ना आप दा वा ना मैं बीजेपी का वा ना मैं अकाली दल का ना मैं कांग्रेस का मैं कि हिंदू संगठन चाहना सारे पोलीटिकल ग्रुप मेरे नाल जुड़े आ मैं सब की रिस्पैक्ट करता वा। आम सरकार के सारे विधायक ही पढ़े लिखे आ सारे विधायक पढ़े लिखे है बदलाव बदलाव जरूर आया क्योंकि विधायक सारे पढ़े लिखे है कुछ कार्यकर्ता इन्हों बड़े अच्छे जुड़े है मैं खुशी है पर देखिए कुछ दल बदलू सी सैकल वर्ग के दल बदलू जिन्होंने अकाली दल भी छड़िया बीजेपी छड़िया तो आखिरी कांग्रेस छड़िया जो देखा कि बदलाव आ रहा कि हो सकता कि जनता आप नू एक मौका दे इन्हें फटाफट कांग्रेस छड़ के आपका दमन फड़ के उन्होंने अपने गैर कानूनी काम वास्ते इन्हें आपका दमन फड़िया। मैं आप सरकार को हाथ जोड़ के यही बेनती करता वा कि इंक्वायरियां खिलाईया जा मैं दसदा कि पाकिस्तान खुफिया तंत्र नाल इहदा संबंध हो सकता वै जे आप सरकार वालों इस जागदा जमीर के उत्ते कोई सख्त एक्शन ना लिता गया। देखो मैं तो ईस्टर रहना सेंटर हरके नू बहुत वड्डा कमजादा भुगतना पेगा। दूसरा मैं सैकंड में पूछना चाहना कि यह दड़े सट्टे बारे गल करता मैं खुशी है असी भी यह चीज़ों के मुद्दे चुकते हाँ पर सिर्फ 2 या 3 मंत्रियों टारगेट को करता नशा अज 70-80 साल तो विक रहा अकाली दल वाले भी सी बीजेपी वाले भी चलो सरकार ने बंद भी कराया वह बंद होंदा भी पिया आप सरकार भी बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है पर सिर्फ 2 मंत्रियों निशाना क्यों बनाया जा रहा उसका कारण यही है कि आपसी रंजिश इन्हें कहा कि जो कि निष्कासित करो इल्जाम लगते हैं इनू निष्कासित किया गया इस कारण इल्जाम लग रहा क्योंकि वो ये गैर कानूनी काम करवाते नहीं सी इस कारण वो इल्जाम लग रहा है। मैं फिर हाथ जोड़ के बेनती करांगा ये तो मैं एक होर वर्ड कहना चाहांगा कि इहदा जिहड़ा सारा डाटा सी साडे जिहड़े मानयोग जिला प्रधान आप दे जसप्रीत जी उन्होंने मैं खुद मिल के आया वहाँ उन्होंने आश्वासन दिता कि विक्रम जी गल मैं हाईकमांड तक भेज दी है इतों के विधायक जी ने जोड़े गुप्ता जी ने उन्होंने सारा जोड़ा मामला उन्होंने नोटिस लिया जाएगा और जागदा जमीर का जोड़ा सूर्य है वह अस्त जरूर किया जाएगा। हाँ जी पहले भी गल हुई थी कि जरा लड़कियां सप्लाई की भी गल चली सी तो इल्जाम लगा रहे उन्होंने इल्जाम लगा रहे मेन सच्चाई है की है सच्चाई तो मैं तुम दस दी है सारी कि वह खुद मान रही है मैं सप्लाई कर दी हाँ अभी भी देखो सुभाष सहगल जैसमीन के नाल बैठा
उसना बैठा मैं हूँ बोलना तुम इंस्टाग्राम खोल सकते हो जैसमीन अरोड़ा इंस्टाग्राम खोलो उस उन्हें यह पत्ती जगह फोटो पाई हुई हैं कि जेड़ा कोई मैं नहीं समझता संस्कारी औरत पा सकती है ए तो कुछ जाहिर हों कि सवाल जनता का जनता की इंस्टाग्राम खोले तो पता चल जाएगा कि लड़कियां सप्लाई की गल इतने मैं दसना चाहना कि इन्नी क्रिमिनल औरत है। देखो मैं पहले दसता कि चिट्टे परचे दर्ज है जो कोई मेरे पैसों का लैन देन का इन्हें मुद्दा चुकया जिसे मैं क्लीन चिट ऑलरेडी मिल चुकी आ वह इंक्वायरियां मेरिया 6 इंक्वायरियां हुई हालांकि कानून के मुताबिक 1 इंक्वायरी माननी होंगी तो लास्ट 3 इंक्वायरियां होंगे को मेरे तो 307-302 दल परचा तो है नहीं सी। एक पैसा लैन देन का मुद्दा उठाया गया सी मेरे सत्संग बदनाम करने वास्ते और मेरिया 2 इंक्वायरियां एक ACP फाइनैंशियल क्राइम न और ACP फाइनैंशियल ACP वैस्ट दी गई सगिया कोमल वर्मा चिट्टे की वड्डी व्यापारी यह इंक्वायरी इन्हें किया की है ये कहती विक्रम लड़कियां सप्लाई करता है विक्रम नहीं करता यह खुद एक जिसम फरोशी के धंधे से संलिप्त है यह स्कर्टा पा के उत्थे जांदी सी और इन्हें ऑफर की सी अफसरां नूं कि मैं तुहाडे नाल हर काम करन नूं तैयार हाँ मेरे को होर भी लड़कियां हैगियां मैं सप्लाई कर सकती हाँ तो मैं पैसे भी देवांगी तुसीं विक्रम गंडोत्रा दे परचा दर्ज कर दो पर मैं पंजाब पुलिस नूं पहले सल्यूट करदा DGP नूं उदों दे मौजूदा जिहड़े साडे कमिश्नर साहब सी डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल जी ACP साहब ने फौरन यह सारा मामला कमिश्नर साहब दी नॉलेज च लिआंदा कि यह सारा ही जिहड़ा झूठ दा पलंदा जे कमिश्नर साहब ने कहा यदि पूरी गहराई नाल जांच करके रिपोर्ट तलब की जाए यह रिपोर्ट मेरे हक च मैं नहीं बनाई अमृतसर का कोई अफसर नहीं बचा 4 PPS और एक कहते IPS अफसर ने इन्हें किया कि करतूत इन्ने देखो एडी क्रिमिनल है मैं तो एक आम आदमी हाँ शिवसेना चाहना इन्हें ACP वर्गे लैवल से DGP दरखास्त पाती थी जिसकी इंक्वायरी IPS ने की संदीप मलिक जी ने और संदीप मलिक ने क्लीयर चिट दिखती कि जो भी सीमा इल्जाम लगा रही है यह सारे झूठे है कोमल वर्मा खुद धंधा करती है और इन्हें खुद अपने आप को पेश करने की कोशिश की लड़कियां सफाई करने की कोशिश की कि गंडोत्रे परचा हो जाए पर कमिश्नर साहब एक अज सेलीब्रिटी है सुखचैन सिंह गिल एक बहुत वड्डे अहुदे ते बैठे है लास्ट इन्हें फिर मांग की सुभाष सहगल की करतूतां देखो इन्हें मेरा धरना लवाता इन्हें सारा पता सी कि विक्रम डोत्रा कोई पैसा निकलता है 4 इंक्वायरियां हो चुकी इन्हें धरना लवाता धरना लवा के भी सुखचैन सिंह गिल जी ने वो कहा कि जो सच्चाई होएगी रिपोर्ट उही बनेगी और जबरदस्ती ने कहता जी PPS सारे अनपढ़ होंगे ने देखो जी भाषा PPS अधिकारी अनपढ़ है आज ACP होने हैं कल उन्होंने SP बनना है मेरी इंक्वायरी IPS करेगा उदो मौजूदा IPS संदीप मलिक जी सी 3 महीने लग के वह इंक्वायरी हुई और वह भी इंक्वायरी मेरे हक च गई अज कोर्ट चो फैसला चलता पाया और महाकाल की कृपा के नाल कोर्ट के मैं 70% जीत चुका सिर्फ मेरी जीत की औपचारिकता ही बाकी रह गई है उत्त भी केस हार रही है सप्लाई मैं नहीं सफाई कर रही है उस तो बाद मन नहीं भरिया इन्हें हाईकोर्ट रिट पाती ACP साहब 2 ACP से और हाईकोर्ट के जज साहब है देखो हाईकोर्ट के जज कि पढ़े लिखे है यह पटीशन दाखिल ही नहीं हुई यह झूठ दे पलंदे फौरन डिसमिस कर दी गई यह कोमल वर्मा जागदा जमीर की कार्यकर्ताओं का कच्चा चिट्ठा सुभाष सहगल दे रहा है शेल्टर हर गैर कानूनी काम में कहता है समाज सेवा करूंगा पर हिंदू महाकाल के माथे पर जूते पड़वा रहा है 16 कैमरों के नेतृत्व में। मैडम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो विक्रम गल्होत्रा वालों तो उन्होंने खाली एक वीडियो दिखाई है तुम टिक्के उत्ते छित्र मारते हो जुत्ती मारते पे हो सब तो पहले तो मैं सारे नमस्कार करना चाहवागी राम राम जी सारे सैकेंडली तुसी वो वीडियो पूरी तरह सुनिया नहीं है शायद विक्रम गंगोत्रा ने भी पूरी तरह सुनिया नहीं है मैं वो मूँह से जो जुत्ती मारी है तो मैं उन्होंने ये कहा कि तेरे मूँह के उत्ते जुत्ती तो जिनी वी जिन्या जो ठगिया मारिया ने हूँ तकन उस उन्ना ही तू लंबा टिक्का लाई जा मैं टिक्के दे जुत्ती नहीं क्या गौर ना सुनो उन्हों को गौर ना सुन चिंदी चोर कि उन्हों गौर ना सुन कि मैं टिक्के दे जुत्ती नहीं मारी मैं कह जिन्नी लंबी ज़्यादा ठगिया उन्ना लंबा टिक्का मैं वो जुत्ती ये मूँह तो कह के मारी कि तेरे मूँह के उत्ते जुत्ती और वो वजदी रहेगी
पर उहदा मेन इहोही हैगा कि जिहड़ा महाकाल का जिहड़ा अपमान किया गया उह टिक्का जे लगा सीगा जिहदे उत्ते तुसीं मेरे मूँह ते कल्ले दे मार दे पर उह टिक्का विच जिहड़ा आ रिहा सीगा जिहदे जुत्ती विच। हाँ, यह क्वेश्चन बहुत वधिया उहने कीता है। ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਿੱਕੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਐੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਧੰਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੱਗ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬੋਤਲ ਪੂਰੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ ਡੇਲੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਨ ਖਾਂਦਾ, ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ, ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਗੰਦ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਦਾ, ਔਰ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਪੂ ਅਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਟਿੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੈਰਿਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਰਮਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਕੀਤਾ ਵੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੋ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ, 1-sided ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 20-22 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਗੰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਚਿੰਦੀ ਚੋਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਦੀ ਚੋਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਚਿਨ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹੈੱਡ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ 'ਤੇ, ਦਬੁਰਜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ SPD ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਮਰਡਰਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ASI ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ MACT ਕਲੇਮ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਸਲੀਲ ਬਨੋਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਸਾਂ।
वह एक सिर्फ विक्रम गंगोत्रा तो विक्रम गंगोत्रा की वोटी तो वो बेटी तो विकास वर्मा का एक प्लैन सी कि जो पैसे हजम कर लेने स्कीम बना के हूँ असी शो कर दिए कि मैडम दे सानू पता लग गया तो मैडम नहीं कर देते ने जबकि विक्रम नू मेरे ऑल पास्ट का पहला तो ही पता सी कारण जो मैं ऑल इंडिया हिंदू संघर्ष कमेटी के वूमन सैल दे विच आई सी अपने हसबेंड दे केस नू लैके तो उस टाइम विक्रम गंगो उत्थे पर राकेश भसीन नाम के जेंट्स होंगे सी जड़े हैगे आ होंगे सी तो नहीं है और वो मेरे मैनू 20 साल पुराना जानते उन्होंने मेरे केस की पूरी नॉलेज सी उन्होंने विक्रम नाल इस बारे डिस्कस भी की सी सचिन मैरे नाल भी की सी उसके बावजूद यह मैनू वो संघर्ष उत्थे लैके गया तो बाद विच इन्हें कहा कि मेरी उन्होंने नहीं बन रही तो असी दीदी दोनों रल के एक अपना बनाने उस संस्था उसकी मैं फाउंडर सी ऑल इंडिया हिंदू में एकता मंच 307 की वो ए प्रूफ ने और मेरा नाम रजिस्टर दे विच बोलता है चेयरपर्सन ये जो मर्जी स्कीम बनाई जाए मैं कट दिता मैं ये करता मैं वो करता वो चीज़ों का कोई फर्क नहीं पता प्रूफ चाहिए प्रूफ मेरा नाम उत्थे एज ए फाउंडर बोलता है तो जे कोई फाउंडर नू कोई नहीं कट सकता होंदा फाउंडर आप ही बंद करता होंदा सब तो पहला तो बड़ी फनी गल है कि मैं स्कर्ट पा के गई सी क्योंकि उत्थे थाणियां दे विच सी फुटेज वगैरह हुंदी है तो मैं हमेशा उत्थे सूट पा के जांदी सी तुसी जाके चैक कर सकते हो सैकेंडली जिहड़ी इन्हें यह गल कही आ जड़े जड़े जां तां इहदे अफसरां दा नाम लवे मगर जे नहीं लैंदा तो दो अफसरां कोल इनक्वायरी लगी सी जिहड़ा ACP वैस्ट तो ACP अपना IPS SP मलिक संदीप मलिक को इनक्वायरी लगी सी संदीप मलिक या CP साहब जिहड़े सुखचैन सिंह गिल जदों भी असीं इन्हां दे रूम च एंटर करदे हां साडे नाल एक लेडी कॉन्सटेबल जरूर अंदर जांदी क्योंकि ये वड्डे अफसर आ इन्होंने कभी भी बिना मतलब इकली लेडी नू अपने रूम च कभी नहीं आन देंदे सैकेंडली जे तुसी गल करो ACP देवदत्त शर्मा दी ते उन्हें पहली गल तो मेरे हक च रिपोर्ट बनाई नहीं सी ती दूसरी गल कि उत्थे पूरे हिंदू संगठन मेरे नाल गए सी जिहदी कि वीडियो क्लिप भी हैगी है वह मैं तुहानू अपनी फेसबुक ID च जिहड़ा मर्जी चाहे मेरी फेसबुक ID खोले और वह कढ सकता है तीसरी गल यह है कि हुण जेकर इन्हें यह शब्द कहे ने तो उहदे विच तीन चार ही अफसर हैगे सी हाँ सुशील कुमार तो मैं खुद यौन शोषण का पाया सी कि इन्हें मैनू यह गल कही है इन्हें मैनू कैंट अपने परसनल घर के शाम को बुला लिया मैं सोचा था उत्थे ऑफिस हैगा मैं जिसले गई तो मैं नाइट सूट के उत्थे फिरदा पिया सी कल्ला ही और मैं यह गल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कर चुकी हाँ जगबाणी के मेरे यह सारे मतलब प्रूफ मैं ला चुकी हुई जगबाणी के कि सुशील कुमार ने की करन दी कोशिश की क्यों मैं फाइनैंशली बहुत वीक सी मेरे कोई पैसा नहीं सी मैं 2 साल मैं अपने पेके उन्होंने को रोटी खा के टाइम पास किया तो जे मेरे को पैसे होंगे वंडन तो मैं पैसे ना दी बाकी रही गल जे शरीरक रूप से कहता तो मैं नहीं मानती कि जे कोई औरत किसी अफसर ऑफर करे खास करके मैं अपनी तारीफ खुद करांगी मेरे वर्गी वैल परसनैलिटड तो मैनू कोई अफसर ना करता बट मैं यहोजे कामों ना सी हाँ जे इन्हें अफसर का नाम लिया तो मैं संदीप मलिक ACP देवदत्त जिन्होंने यदि इनवैसटीगेशन की सी इतों तक कि CP सुखचैन सिंह गिल मैं इन्हों तिना की ए पावगी कोर्ट के बाई नेम पावगी यदि एक्लिप चुक के कि इन्हें क्या कि यह मेरे हक च रिपोर्ट तो बनी सी कि सीमा गई सी ते ओदे कोरे चिट्ठे जड़े इन्हें एर शब्द कहे सी स्कर्ट पा के ते जड़े ये कोरे चिट्ठे फिर वो खोले सी अफसर ने ते तां CP ने मेरे ते परचा किया मैं सुखचैन सिंह गिल जी नू कोर्ट दे विच भी खिंचांगी संदीप मलिक नू भी खिंचांगी ते विचे जे वो इहदे ते कोई कार्रवाई नहीं करदे इस दे बयानां ते तो मैं उत्थे सुसाइड कमिट करांगी या विक्रम गंगोत्रे ते परचा करावांगी और ये काम मैं बहुत जल्द तुहानू सो मंगलवार तक इसकी रिपोर्ट दे दांगी सबूत तो देखो जी 66 पेजां का लिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें आपे ही रख दिता मैं जेल तोड़ के ते बाहर आई नहीं हुई एक निचोड़ हुंदा है कि किताब का एक सब तो पहला पेज तो एक सब तो लास्ट
उसकी जजमेंट पढ़ो, भी वह दो छक्के ने 66 नंबर है जी उसका, वह 66 पेजा की लियाया फाइल कढ़ा के, कितनी मेहनत बेचारे ने लाई है, किसी तरह वह झूठा परचा कराने की कोशिश कर रहा। वो मैं तुम सबूत भी देवगी, मैडम अंजलि पुरी की क्लिप हैगी है मेरे को, सीमा के उत्ते पूरी तरह लगे हुए हैं सारे झूठा परचा कराने के चक्कर च। उस जजमेंट हाई कोर्ट की है जिदे मैं 4.5 साल की सज़ा कट्टी हुई है, और मैं जो भी है मेरे वो मेन अक्यूज मेरे हसबेंड सके जो कि इस दुनिया तो जा चुके हैं। अगर दोबारा कोई 10-20 साल तो बाद अगर वो परचा खुलता है, केस खुलता भी है, तो वो तो मेरे हसबेंड की वो लग जानी है, तो वह फाइल क्लोज हो जानी है। पर साफ साफ शब्दों लिखा है कि मैं प्रोपर बेल ना आई हाँ। जे ये कहता है कि मैनू कोर्ट ने ता बेल दी कि मैं मुलजम नहीं हाँ, तो मैनू भी फिर कोर्ट ने ता ही बेल दी कि मैं मुलजम नहीं हाँ। मैं तो इतने बैठी हूँ जिंदी जागता सबूत आ, कोई मैं भज के तो आई नहीं, जिन्ना शहर से शोर है मैं सूई तो है नहीं कि मैं लुकी हुई हाँ, तो मैं कोई फड़ नहीं सकता। नाल एक गल होर कि लगातार उन्होंने कहना है कि तुसी बिना